एक इंसान था, वो गुस्सा निकालता ही नहीं था कभी, और बड़ा ऊपर से बड़ा कंपोज दिखता था। लोग समझते थे इसको शायद तकलीफ ही नहीं होती, इसको फील ही नहीं होता। उसका उसका कंपोज होना उसका जुर्म बन गया। लोग उसको इसलिए मारते थे क्योंकि वो बहुत कंपोज था। मेरे लेक्चर्स में बात बहुत आती है, अपने अंदर रख, उसकी कंपोजिशन अदाब बन गई उसके लिए कि वो बेचारा किसी को कुछ बोलता ही नहीं था। प्रेजेंटेशन अच्छी थी, कपड़े अच्छे पहनता था, दिखता अच्छा था, लोगों को लगता था भाई हर वक्त ही हंसता खेलता रहता है, हर वक्त ही पॉजिटिव बातें करता रहता है, हर चीज सही करता है, इसको थोड़ी कोई तकलीफ हो। लेकिन उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन कभी भी कहीं नहीं निकाली जो लोग उसके साथ करते रहे। जाने अनजाने में उसके साथ जो किसी ने अल्फाज बोल दी तो वो ना उसके अंदर कलेक्ट हो ही रहा था। उसके पास अल्लाह की एक और बड़ा गिफ्ट था निस्यान का, वो भूल जाता था, उसको याद ही नहीं रहता था। और क्योंकि वो अल्लाह वाला इंसान था तो वो कहता था जान दो। ये एक दीनदार आदमी की कहानी सुना रहा हूं। तो बड़ा कुछ उसके साथ हुआ उसकी लाइफ में, उसने जो मुझे सुनाया, लेकिन वो हटा नहीं कभी, हशाश बशाश भी रहा क्योंकि वो भूल जाता था। और उसके पास एक सबसे बड़ी आस ये थी, एक तो अल्लाह था और इसी के ऊपर भरोसा भी करता था वो। बहरहाल उसे जितने भी छोरे मारे गए तो उसको ये तीनों फोर्सेस जब अटैक करती थी ना, डर, गम और गुस्से की, वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेता था। अल्लाह के पास से भी न्यूट्रलाइज कर लिया करता था, नमाज पढ़ता था, न्यूट्रल हो जाता था, भूल जाता था, यार वो जान दे भी कह दिया करता था। अब उसको वहां से एक छुरा मारा किसी ने जो उसकी सबसे सेंसिटिव डोमेन थी, रिश्तों के अंदर। वो मछली की तरह तड़पा लेकिन कंटेन कर गया। एक ने और मारा उसको, फिर मछली की तरह तड़पा लेकिन कंटेन कर गया, बर्दाश्त कर। तीसरे ने इस तरह मारा उसको फैमिली के अंदर, बयान नहीं कर सकता यहां पर, कि उसकी जो वो बलाएं जो 12-15 सालों से बंद थी ना अंदर, जिनके ऊपर वो जार्ज लगा दिया करता था। बलाएं आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, भूलता कुछ नहीं आदमी, लेकिन विजन की वजह से उसकी नजर नहीं जाती उसके मकसद और विजन की वजह से इंसान जो है ना देख नहीं रहा होता कि ये भी हैं। और अल्लाह इंसान के देखने की आंख को और हिस को इतना बड़ा कर देता है कि बंदा कहता है जान दे कुछ नहीं। उसको उस छुरे ने ना उसके 18-20 पॉकेट्स और खोल दिए। अच्छा वो कुछ घंटे के लिए खुले होंगे, वो चाहता तो नहीं जाता, सोचे उसने क्या गलती कर दी। उसने उन बलाओं के पास जाके टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। उसके 2-3 घंटे वो किसी एक याद के साथ, रोज के 2-3 घंटे किसी और उसके साथ, तो उसने अब उन बलाओं के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर बगैर उस्ताद के। एंड दोज मॉन्स्टर्स स्टार्टेड फीडिंग ऑन दैट पर्सन, फियर, होप एंड लव एंड एंगर। कि वो दे रहा था टाइम उसको, वो उसका फीड करना शुरू हो गए। वो बलाएं जो थी ना, जो अल्लाह की वजह से, जन्नत की वजह से, आखरत की वजह से, और दुनिया में कुछ खास लॉयल्स और वफादारों की वजह से जो उसकी खड़ी थी ना, वो पहले वो हिली, उसने जो पक्की डोमेने थी उसने उनकी बेसिस पर वहां भी सोचना शुरू कर दिया। तो यकीन शक में गया उसका बहुत जगहों पर, यकीन शक में गया बहुत जगहों पर, उम्मीद चली गई मायूसी की तरफ हल्की हल्की। अच्छा रोज जा रहा है, अच्छा रोज कुएं में जा रहा है और रोज टाइम स्पेंड कर रहा है वहां, जो उसने 12-15 साल नहीं किया। उससे क्या हुआ, तो जो वक्ती एक छुरे या दो छुरे लगे थे उसको वो डिफ्लेक्ट करने के बजाय, जो हमेशा जिस तरह करता है, उसने अंदर जाके उनको मुंह देना शुरू कर दिया जो अंदर था। उसने खुद छेड़ दिया अपने अंदर जो उसने इतने अरसे से कंटेन किया बगैर उस्ताद के गया। वो जब वो अंदर गया ना, उसने कौन कौन सा टॉपिक और सब्जेक्ट किस बेदर्दी से खोला, वो अंदर से इतनी बड़ी बला निकल के आ गई, वो सारी डिटेल्स लेके आ, उन डिटेलों में गौर करना शुरू हो गया, उन बलाओं की डिटेलों पे, उन इवेंट्स पर, उन सोचों पर, उन जख्मों पर, उन तकलीफों पर, उन मुश्किल उस पर गौर करना शुरू हो गया। तो जो एक यकीन भी हिट होना शुरू हो गया, वो मैथ्स में चला गया, वो मिरेकल से मैथ्स में चला गया।
वो मौजाती जिंदगी और तवक्कुल से अखबाब और हिस्सियत और मैथ्स में चला गया कि ये अच्छा इस, अगर मैं उसने यहां सोचा अब वो बंदों को जज करना शुरू हो गया। उसने बोला ये शेख साहब मुझे पैल्पिटेशंस हो रही हैं आजकल, बगैर वजह के मेरा दिल फड़कता है। पैल्पिटेशन निशानी है एंजाइटी की ना, मतलब घबराया हुआ ना, क्योंकि अब उसका जो नूर है अंदर का वो अननोन में चला गया। अभी बलाएं खड़ी हो गई हैं और टाइम देख के अपना अटैक करती हैं, जार्ज में वापस नहीं जा रही और डायवर्जन कुछ मिल नहीं रही। रूटीन मोनोटोनस है, वही रूटीन चल रही है, चेंज लाइफ में आ नहीं रहा, वही लोग हैं, डाइवर्सिटी है नहीं, नया चैलेंज आ नहीं रहा, माइंड डिफ्लेक्ट कर नहीं पा रहा, नई कुरान हदीसें खोल नहीं रहा, नया ताल्लुक कायम नहीं कर रहा अल्लाह के साथ। वो मोटी हो चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं बलाएं जो अंदर हैं, और अब उसे वो पैल्पिटेशंस हो रही हैं क्योंकि नफ्स जो है वो अननोन फियर उसको आ रहा है। अभी अलर्ट बहुत ऑन हो गया उसका, इसी का नाम एंग्जाइटी है ना, बॉडी का गार्ड ऑन हो जाता है माइंड का, और इसी का नाम सुकून है ना। ये छत गिर सकती है मेरे ऊपर, अगर मैं इसकी मैथमेटिक्स में चला गया ना मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए होगी, ये सरिया ठीक है अंदर, मैथ चाहिए होगी ना कि नहीं गिरेगा। इसलिए बहुत कुछ चीजों का इल्म ना होना रहमत है, और बहुत चीजों की डिटेल्स में नहीं जाना रहमत है, और बहुत जगहों पे आंखें बंद करना रहमत है। इससे ज्यादा देखोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना मुर्दा नहीं दफनाओगे अगर तुम कब्र के अंदर का हाल देख लो। तआलमुना मा आलम लज़ाहिक तुम कलीला वला बकी तुम कसीरा, अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूं तुम हंसोगे कम रोगे ज्यादा। तो जब वो अब पैल्पिटेशन इसलिए आ रही है, ये तकरीबन सारी फाइल्स खुल गई हैं, बंद करने के लिए तो पूरा चैप्टर खुल गया अंदर, पूरी बुक खुल गई। वो घबराहट उसको हो रही है, और वो किताब और वो बला बोतल में सिर्फ इल्म से नहीं जाएगी, और भी कुछ करना पड़ेगा। नहीं वो इल्म से खोली भी नहीं थी उसने, डीन्यूटिलाइज करने के अंदर अभी नफ्स पे फीड करने के लिए जिन भी तो आ गए। अब द फोर्सेस ऑफ इविल उसने बलाएं खोली हैं, वो अनडिक्लेयर अननोन जोन में चला गया अपने माइंड में, तो माइंड के चैनल्स के साथ जिन्नात भी तो जुड़े हुए हैं, अस्कार भी तो करने पड़ेंगे, प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। अब फायर पता नहीं चल रहा अंदर से कहां से आ रहा है, जिन का आ रहा है, जादू का आ रहा है, शैतान का आ रहा है, नफ्स का आ रहा है, माजी का आ रहा है, फ्यूचर का आ रहा है। इसके बीच में वो जो है ना वो रो पड़ा, बहुत तकलीफ। फियर को हैंडल करता है, जख्म याद आते हैं अब उसको, जख्म संभालने की कोशिश करता है तो मुस्तकबिल का डर लगता है, उनके भरोसा टूट गया इंसानों के ऊपर से, भरोसा करने की कोशिश करता है रिश्तों पर, यकीन टूट गया उस होनी बार उस मैं उसका केस खुद देख रहा हूं अलहमदुल्ला, मैं उस इंसान का केस खुद देखूंगा, देख रहा हूं, रोज की फाइट है उसके साथ। वाहिद बंदा है जिसको मैंने एक्सेस दिया है कि मुझसे बात कर सकता, लेकिन मैंने उसको बोला है अच्छा रोज उसको एक नई खुशी चाहिए डाइवर्जन के लिए। 3 घंटे के बाद 3 घंटे उसका माइंड डिफ्लेक्ट होता है, मगर फौरन वो बलाएं बहुत स्ट्रांग हुई है ना, फिर पैल्पिटेशन। नॉर्मल रहते हुए भी उसको डर क्यों महसूस, पहले यकीन था ना कि अल्लाह संभाल लेगा, अभी भी यकीन है, मगर इस लेवल पे जाके छुरा मारा है तो वो हिल गया आगे से। बहुत छोरों से नहीं हिला, मगर ये वाला इतना सख्त उसने थोड़ा मार के ना अंदर घुसाया बहुत जोर से था। जो आप कहते हैं ना मुझे हसन भाई देखा आप कैसे चल रहे हैं इसके बाद, ये जुमले तुम लोग कहते हो ना मुझे,
अब कैसे यकीन आपको इंसानियत पे इसने आपके साथ ये कर दिया। हिम्मत हौसला चाहिए। कौम के लोगों को मेरा यही जवाब है, अगर आपने अंदर की दुनिया में डाइव करनी है बगैर किसी मेंटर और उस्ताद के नहीं करिएगा। यू हैव टू टेक अ डाइव विद अ टीचर। जो अपनी बलाओं से खेला हुआ होता है वो आपको आपकी बलाओं से लड़ना सिखाएगा। सच सब बताएं सुकून में, ये सब कॉन्कर हो सकता है। ये सब एक टाइम पर जो अंदर की बनाए ना, जब आप इसको इसी को तो कहते हैं मदरा का सियासत नफसी फकत अदरा का सतना। जो इन जंगों से लड़ा हुआ होता है ना वो कौम की नफसियात पे फिर काबू करता है उनकी बलाओं को, और फिर लोग अपना आप देते हैं आपको।